मोदी जी, बंगाल की तरफ चलते हैं। वेस्ट बंगाल में जो है इस बार चुनाव काफ़ी जोरों में लड़ाई हो रही है। पिछली बार जब आप 2019 में 18 सीट लाए थे 42 में, तो लोग चकित रह गए थे। लोगों को उम्मीद नहीं थी कि आप 18 सीट लाएंगे। इस बार आपके एक नेता ने कहा है कि 36 सीट आ सकती है। राजनाथ जी ने मुझसे इंटरव्यू में कहा था कि 36 सीट आ सकती है। कैसे देख रहे हैं इस वक्त माहौल को? देखिए, जहाँ तक लोगों का चकित वाला जो आप कह रहे हैं ना, उनका प्रॉब्लम यह है कि मुझे 10 साल हो गए, अभी भी वो मानने को तैयार नहीं कि देखिए जनता ने मोदी नाम के किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया। तो ऐसी एक जमात है जो देश के मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार नहीं है जी। अब हकीकत है भाई कि देश की जनता हमको समर्थन दे रही है। आपने हिसाब लगाया था नहीं होगा नहीं होगा, वो तो आपकी गलती थी जी। लोग हमारे तो लोगों के साथ संपर्क है, पर मैं मालदा में था। मैंने जी, मैं हैरान था कितना बड़ा जबरदस्त वहाँ माहौल था जी। अब जनता जनार्दन का विश्वास बन रहा है कि देश में एक स्थिर मजबूत सरकार है, बंगाल में भी उसका परिणाम अच्छे मिले। और टीएमसी के शासन में महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहे, संदेश खाली की जो घटना है, पूरे देश को हिला दिया है जी। और उसका गुस्सा निकलना ही निकलना है मतदान में। आखिर जनता के पास तो मताधिकार है, उसी से अपना गुस्सा निकालेंगे जी। तो गुस्सा निकलना है, बहुत स्वाभाविक है। आपने देखा होगा नोटों के ढेर, क्या कभी आपके टीवी वालों ने इतने सारे नोटों के ढेर कभी पकड़े गए देखा था जी? पिछले कुछ सालों में आप लगातार 50 करोड़ के ढेर, 300 करोड़ के ढेर, 250 करोड़ के ढेर, 200 करोड़ के ढेर, देश चौंक गया है जी। आप कितना इसको दबाने की कोशिश करो, लेकिन देश के दिल दिमाग में स्थिर हो चुका है कि लूटने वाले लोग हैं। तो इस बार जीत और बड़ी होगी? बिल्कुल, क्लीन स्वीप कर रहे हैं।